हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स ब्रिक्स के डिफरेंट साइज के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तीन टाइप्स के मैंने जो है ब्रिक्स को यहाँ पर फिलहाल डिस्कस किया है। और इस जो ब्रिक्स के साइज को यहाँ पर मैंने एमएम में, मीटर में और एक फीट में जो है मैंने इसे जो कन्वर्ट करके इसके वॉल्यूम्स के बारे में जो है डिस्कस किया है। तो जो सबसे पहला टाइप से ब्रिक्स का, वो मैंने यहाँ पे मॉडुलर ब्रिक्स का साइज लिखा है, जिसकी साइज है 190 × 90 × 90। ठीक है फ्रेंड्स, 190 × 90 × 19, ये जो सारे साइज हमारे पास है ये एमएम में है। दूसरा जो है इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि पीडब्ल्यूडी, जो इस ब्रिक साइज को यूज करता है ज्यादातर। आप यदि सुपरवाइजर हैं, यदि आप बीटेक किए हो या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं, यदि आप कभी देखेंगे पीडब्ल्यूडी का ड्रॉइंग्स, तो यहाँ पर जो आप देख पाएंगे कि ये ज्यादातर जो है ब्रिक्स के जो साइज यूज करते हैं पीडब्ल्यूडी, यही साइज यूज करते हैं, 230 × 115 × 75। और तीसरा मैंने एक यूनिवर्सल साइज ऑफ ब्रिक लिया, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो है कंपनियां जो है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं जो बहुत सारे भट्ठे जो यहाँ पर गांव में या फिर शहरों में जो लगे हुए हैं, वहां पर जो है डिफरेंट साइज जो है ब्रिक्स यहाँ पर यूज करते हैं, जिनका साइज यहाँ पर मैंने लिखा है 220 × 110 × 17। ये तीन साइज जो है मैंने ब्रिक्स का डिस्कस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी मैंने यहाँ पे टेबल यहाँ पे बना दिया है, आपको मैं समझा देता हूँ प्रॉपर तरीके से किस तरीके से टेबल वर्क करता है और क्या इसमें मैंने मतलब अपना काम किया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने वॉल्यूम डिस्कस किया है। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला आप देखिए, वॉल्यूम फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू में हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। और उसके नीचे मैंने कुछ यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि यदि 1 फीट क्यूब को यदि आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए आपको जो फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा 0.0283। उसके बाद यहाँ पे 1 मीटर क्यूब को यदि आपको फिट क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए फैक्टर है 35.28, आपको फैक्टर जो है मल्टीप्लाई करना होगा। साथ ही यहाँ पर यदि आपको 1 mm को यदि आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए उसको जो है आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। और 1 मीटर क्यूब को यदि आपको फिट में कन्वर्ट करना है, तो आपको जो है यहाँ पर 3.28 से जो है मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसी तरीके से हम देखिए, मैं यहाँ पे बॉक्स बनाया है कॉलम और रो के, तो मैं तीनों टाइप्स के अलग अलग जो है सेक्शन बनाए हुए हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, पहला ये जो एमएम में है, दूसरा मीटर में है, और तीसरा जो है क्यूबिक फीट में है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे साइज में लिखा है लेंथ 190 mm, विड्थ 90 mm और हाइट जो है 90 mm। तो इन तीनों को जो मैंने मल्टीप्लाई करके जो भी इसका वॉल्यूम आया है, यहाँ पे देखिए 1539000 mm³ जो यहाँ पे मैंने इसका जो है वॉल्यूम लिख दिया एमएम में। उसके बाद इसी 119 mm को जो है मैंने 1000 से डिवाइड करके यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। यदि आप 190 mm को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो वो 0.19 और ये 0.09 आएगा, और ये 0.09 है मीटर। तो यहाँ पे देखिए एमएम से मैंने पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और फिर इन तीनों को जो मल्टीप्लाई करके मैंने जो यहाँ पर मीटर क्यूब में इसका जो है मैंने वॉल्यूम निकाल दिया, जिस कितना आ रहा है 0.00153। सिर्फ इसको ये लेंथ इंटू में विड्थ इंटू में ये हाइट, तीनों को जो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और आप देख सकते हैं कि ये 0.19 मीटर है। यदि आपको इसको फिट में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सिंपल आपको जो यहाँ पर मीटर में आपको जो है कन्वर्ट करने के लिए फिट में 3.28 से, देखिए अब मैंने लिखा फैक्टर 1 मीटर को यदि फिट में कन्वर्ट 3.28 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली मीटर से आपको फिट में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इन तीनों क्वांटिटीज को यहाँ पर देखिए मैंने फिट में कन्वर्ट कर लिया, 0.09 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3.28 से, तो ये इतना आ गया, और 0.092 के यहाँ से मल्टीप्लाई किया 3.28 से, तो ये इतना आ गया। ठीक है, और इन तीनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर देखिए फिट क्यों यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने ये देखिए ये साइज को भी मैंने डिस्कस किया बहुत ही डिटेल में, 230 × 115 × 75, वही सेम चीज़ मैंने किया। पहले यहाँ पे मैं देखिए एमएम में लिख लिया हूँ, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो मैंने एमएम क्यूब में इसके निकाल दिया। उसी तरीके से 230 को मैंने डिवाइड किया 1000 से, 115 को डिवाइड किया 1000 से, 75 को डिवाइड किया 1000 से। डिवाइड करने के बाद ये जो है मीटर में आ गया है, और इन तीनों जो मैंने मल्टीप्लाई किए थे मीटर क्यूब में, मैंने यहाँ पर देखिए 0.0019 जो मैंने आंसर निकाल दिया है। इसी तरीके से 0.23 को जब मैंने 3.28 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिट में आ गया फ्रेंड। 0.115 को जब मैंने 3.28 से मल्टीप्लाई किया, तो भी फिट में आ गया। तो इस तरीके से फिट में ले आकर मैंने इसको जो मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम 0.069 जो है फिट क्यूब मैंने निकाल दिया। ठीक है फ्रेंड, उसी तरीके से तीसरा साइज जो है 220 × 110 × 70, इसको मैंने प्रॉपर तरीके से लाइन में रख के इसके जो मल्टीप्लाई करके देखिए 169400 या mm³ में मैंने निकाला। उसी तरीके से 6 mm को मैंने मीटर में, देन मीटर से मैंने फीट में, उसी तरीके सिंपली मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो है इसके जो भी आंसर आते हैं 0.016 जो है क्यूबिक मीटर क्यूबिक फीट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर चेंज कर दिए।
ये बेसिकली तीन साइज थे जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। और इसके अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा फ्रेंड्स, उसमें मैं बताऊंगा कि किसी भी दीवार में, जैसे कि 9 इंची दीवार हो या फिर 4.5 इंची दीवार हो, तो उसमें जो है आप नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको। ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।